Hello growing students, this is third lecture of physics chapter electricity. इस lecture में हम बात करेंगे electric potential के बारे में. तो फिर आइए, let's start. Students, electric potential को अच्छे से समझने के लिए आइए सबसे पहले कुछ examples लेते हैं. देखिए ये जो फिगर है इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर एक बॉल है. वो बॉल रोल होके नीचे आ जाएगी, सिंपल ग्रेविटी. सेकंड फिगर को देखिए. अब यहाँ पे दो कंटेनर्स हैं जिनका वाटर लेवल अनइक्वल है. अगर हम इनको एक पाइप से ज्वाइन कर दें तो इन दोनों कंटेनर्स के बीच में वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों कंटेनर्स का वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाता. अब थर्ड एग्जांपल देखिए. इसमें भी दो वाटर कंटेनर्स हैं. एक कंटेनर में हॉट वाटर है और दूसरे कंटेनर में कोल्ड वाटर है. अगर हम इनको एक पाइप से ज्वाइन कर दें तो दोनों के बीच में टेम्परेचर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों कंटेनर्स का वाटर टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. सर, तो इन तीनों एग्जाम्पल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या रिलेशन है? देखिए, तीनों एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ काम हो रहा है. जो बॉल है वो रोल करेगी, जो वाटर है वो जब दोनों वाटर लेवल्स अनइक्वल होंगे तब वो फ्लो करेगा. जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब टेम्परेचर भी फ्लो करेगा. इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. वर्क हैज टू बी डन, कुछ काम करना पड़ेगा. हम करंट को रोक सकते हैं पर वो फ्लो होगा. एक बॉडी को चार्ज होना पड़ेगा और इसी इलेक्ट्रिक करंट की इस प्रॉपर्टी को, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. बिल्कुल सही. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हाइट में डिफरेंस नहीं होगा तो बॉल नीचे नहीं गिरेगी. अगर वाटर लेवल में डिफरेंस नहीं होगा तब वाटर मूव नहीं करेगा. अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तब टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा. इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो एंड्स पर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तब इलेक्ट्रिक करंट भी मूव नहीं करेगा. और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done upon charge, यानि कि V is equal to W upon Q. Sir, इनकी SI unit क्या है? Potential difference की SI unit होती है volt, work done की SI unit होती है joules, और charge की SI unit होती है coulomb. तो students, अब आइए circuit diagram के कुछ symbols को समझ लेते हैं. देखिए, ये एक electric cell का symbol है. इसमें जो वर्टिकल लंबी लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है. जब ऐसे इलेक्ट्रिक सेल्स को सीक्वेंस में लगा दिया जाता है तो उसको हम बैटरी कहते हैं. अब ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है. इस टाइम ये ऑफ पोजिशन में है पर जब हम उन दो ब्रैकेट्स के बीच में एक डॉट लगा देंगे तब वो एक ऑन इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल बन जाएगा. सर, वायर जॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये देखिए, ये एक वायर जॉइंट का सिंबल है पर जब इसमें डॉट नहीं होती बल्कि एक बंप होता है जैसा कि आप उसके नीचे देख सकते हैं, वो एक वायर क्रॉसिंग है. उसमें जो वायर्स हैं वो अटैच नहीं होती, बस वो सिर्फ क्रॉस कर रही है. उसके नीचे आप देख सकते हैं वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. फिर आप देख सकते हैं कि वो एक एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है. उसके नीचे एक वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. उसके नीचे एक रेजिस्टर है जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और उसके नीचे एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं. इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब आइए अब वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले न्यूमेरिकल से. वो था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. उस फॉर्मूला का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. देखिए, ये कहता है
how much work is done in a moving charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें चार्ज दिया गया है स्टूडेंट्स 2 कूलम्ब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट और हमें वर्क डन निकालना है तो देखिए हमने अभी-अभी एक फार्मूला पढ़ा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू वर्क डन यानी कि W अपॉन चार्ज यानी कि C तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं हमें वर्क डन निकालना है तो हम इसी से ही डिराइव कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 12 वोल्ट यानी कि 12 इनटू और हमें चार्ज हमें दिया गया है 2 कूलम्ब यानी कि 24 और वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल्स यानी कि 24 जूल इस क्वेश्चन का आंसर है तो स्टूडेंट्स आई होप इट वाज क्लियर टू यू नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर Thank you for watching and have a good day.